गाइस, तो ये है मुनार रेस्टोरेंट जो कि लिबर्टी राउंड अबाउट में है और रूफ टॉप पर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाने में सब बहुत मसरूफ हैं। हुआ ऐसा था कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था। जब भी फैमिली के साथ प्लान होता है तो हम हमेशा लेट होते हैं। खैर, ये तो पुरानी कहानी है। एनीवे, हम लोग हाइटी पर आए थे और ये मोहम्मद की फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी। वैसे तो बर्थडे अगस्त में आती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से डिले हो रहा था तो इसलिए अक्टूबर में सेलिब्रेट की। वैसे भी कश्मीर ब्लॉग सीरीज चल रहे थे तो इसलिए ये ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है। मौज़म बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया था, लेकिन खाने में क्या क्या है उसका शॉट लेना मौसू शायद भूल गए हैं। एनीवे, बता मैं ये रही थी कि हाइटी के दो टाइमिंग्स हैं, एक 3 बजे से 4:30 बजे तक का स्लॉट रहता है और दूसरा 5 बजे से 6:30 बजे तक का, जो कि मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ऑलरेडी लेट होने की वजह से सबका फोकस खाने पर ज़्यादा था। खाने के साथ साथ वीडियोस भी बनानी रहती हैं, पिक्चर्स भी लेनी होती हैं, मतलब लड़कियों को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे आज सिर्फ मोहम्मद की बर्थडे नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ 6 और बच्चों की बर्थडे थी जो कि सेम फ्लोर पर सेलिब्रेट किया गया था। खाने की बात करें तो टेस्ट बहुत अच्छा था। शायद ही कोई चीज़ होगी जिसका टेस्ट अच्छा नहीं रहा होगा, अदरवाइज मेन्यू में सब आइटम्स बहुत टेस्टी थे। लेकिन इस रेस्टोरेंट की एक अच्छी बात जो कि मुझे दूसरे रेस्टोरेंट से काफ़ी डिफरेंट भी लगी, और वो ये कि अगर आप खाना वेस्ट नहीं करते, जो कि अमूमन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो आपको टोटल बिल पर 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि लोग थोड़ा कम कर दें खाना वेस्ट करना। लेकिन जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो लोग काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे, मतलब लोगों को कोई परवाह नहीं होती। जी
खत्म हो रहा है, ड्रोन शॉट्स लेने तो बनते हैं, तो अभी आप इंजॉय करें ड्रोन शॉट्स। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय।